हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सय्यम बड़ोला और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कल्स। कर रहा हूँ शुरू। तो क्या होता है समझते हैं। तो जहाँ से अपन ने आखिरी लेक्चर में देखा था 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन हम लोग जानते हैं, वहीं से मैं लूँगा इस चैप्टर की शुरुआत और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। देखो ये क्या थी 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर 0। ये है 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन, नॉन होमोजेनस इक्वेशन है। ये सब चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। कौन से लेक्चर में डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7th लेक्चर में, जहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया था। अब इसी से अपन सर्कल की जनरल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सर्कल में अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक, वो क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टीज पढ़ी है। 11th में क्या नई चीज़ ऐड होती है, वो होती इक्वेशन। जैसे अभी तुमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना सीखा, वैसे अब अपन सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते वो भी देख लेते। बहुत ईजी चैप्टर है, आराम आराम से चीज़ों को सुनना, समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट सारे पुराने लगेंगे, तो ज्योमेट्री जिसकी सर्कल्स की कमज़ोर है उन लोगों को एक ये कि यार 9th स्टैंडर्ड की NCERT की जितनी भी थ्योरम्स है वो एक बार रिवाइज कर लेना ये चैप्टर शुरू करने के पहले। और एक और चीज़, 9th स्टैंडर्ड का जो सर्कल का पार्ट है उसके कुछ क्वेश्चन देख लेना, ताकि तुमको वो सारी थ्योरम्स और प्रॉपर्टी दिमाग में रहे। अब यहाँ पे अपने को उनका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो थ्योरम से डायरेक्ट हो जाए, इक्वेशन निकालने में उन थ्योरम की हेल्प लगेगी, तो वो थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए पहली चीज़ तो। ओके, तो 9th क्लास का सर्कल पढ़ लेना, उसके बाद ये शुरू करना, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, मैंने क्या बोला था, ये 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी शो करती है जब डेल्टा 0 हो जाता है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी हो जाता है। ये ही इक्वेशन सर्कल भी शो करती है। कब ये इक्वेशन सर्कल तब होगी जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 0। क्लियर, एच इक्वल टू 0 हो गया। अब ये a इक्वल टू b इक्वल टू 1 को नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। जो मेन कंडीशन है वो क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, h जो होता है वो 0 हो जाता है। और ये a b वाली जो मैंने कंडीशन बताई, मतलब क्या कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, उसको भी लिख लो ताकि तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। a इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। अब ये तीनों कंडीशन जब लगाऊंगा सॉरी ये जब मैं तीनों कंडीशन लगाऊंगा तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, वो तो अपना वो डिटर्मिनेंट आपको पता है, ए बी सी एफ एफ जी एच जैसे अपन लिखते थे, उसका कोई यूज़ नहीं है। एच को रख दो 0, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है 2 डिग्री कर्व की वो कन्वर्ट होकर क्या बन गई, एक्स स्क्वायर ये 0 हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी बराबर 0। अब भाई सबको ये तो पता है सर्कल दिखता कैसा है, सर्कल में होता क्या है, सर्कल का एक सेंटर होता है, एक रेडियस होती है। ये जो तुम्हारी इक्वेशन आई, ये जो तुम्हारी इक्वेशन आई, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर, ये 2 डिग्री कर्व में जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, एच इक्वल टू 0 है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 है, तब तुम ये लगा सकते हो। क्लियर, चलो ये आ गया समझ में, ये तीन कंडीशन नोट कर ली होगी। अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये बन गई अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो सेंटर होता है सर्कल का, जो सेंटर होता है सर्कल का, सेंटर ऑफ द सर्कल, वो अपन देते हैं पहला नोट, सेंटर ऑफ द सर्कल ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है -g, -f। क्लियर, सेंटर दे दिया। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c।
ये तरीके होते हैं रेडियस निकालने का और सेंटर निकालने का, ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। रेडियस निकाल ली, सेंटर निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दोगे, क्लियर है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से ये दो पॉइंट आए, क्लियर। अब मान लो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर हो गया जीरो, मतलब क्या, रेडियस हो गई जीरो। ओके, तो वी आर अज्यूमिंग थ्री केसेस। पहली बार ये जो वैल्यू है, मतलब इसको अपन लिख देते हैं आर, स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। पहला केस मान लो आर इक्वल टू जीरो हो गया, रेडियस क्या हो गई जीरो, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, आर पूरा ले रहे हैं अपन, केवल रूट के अंदर की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज लिखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कभी जीरो हो गया, मतलब क्या, कभी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब ओवरऑल जीरो हो गया, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल की वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब क्या, ये वो इक्वेशन है जो पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। पॉइंट सर्कल मतलब क्या, केवल एक पॉइंट, ये वो सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, जीरो, इसको बोलते पॉइंट सर्कल। तो जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या हो गया, जीरो, इसका मतलब पॉइंट सर्कल की इक्वेशन है। लिख लो यहां पे पॉइंट सर्कल, समझ में भी आ रहा है भाई, रेडियस जीरो है मतलब क्या, पॉइंट ही है केवल। सेकंड, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हो गया, रूट के अंदर की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई, मतलब क्या, नेगेटिव नंबर रूट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो तुम्हारा सर्कल होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल। थर्ड केस, ग्रेटर देन जीरो ले लेना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को, ये वाला जो सर्कल होता है ये होता है रियल सर्कल। ओके भाई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू पॉजिटिव है, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, आर की कुछ वैल्यू आएगी और तुम्हारा सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया रियल सर्कल। इमेजिनरी सर्कल का तो डायग्राम बना ही नहीं सकते, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका क्या डायग्राम बने। तो ये समझ में आ गया, ये रियल सर्कल, इमेजिनरी सर्कल और पॉइंट सर्कल, ये चीज समझ में आई। तो ये पहला फॉर्म अपन ने देखा, सॉरी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का। बड़े आगे चलो, अब इसके बाद तुम सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है सेंटर रेडियस फॉर्म, या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो सर्कल का। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म या सेंटर रेडियस, जहां पे तुमको सेंटर दिया होगा, रेडियस दिया होगा और इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखना है। अपन क्या बात कर रहे हैं, सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते। पहली चीज, सर्कल की डेफिनेशन पता है तुम लोगों को, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है भाई, लोकस उन पॉइंट का जिसका एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो एक फिक्स्ड पॉइंट से। क्या बोल दिए सर आप, अरे लोकस उन पॉइंट का जिनका फिक्स्ड डिस्टेंस हो एक फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब क्या भाई, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, दैट इज मान लो एच कॉमा के, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे फिक्स्ड डिस्टेंस, उससे फिक्स्ड डिस्टेंस, सपोज आर, आर इज द फिक्स्ड डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इसका लोकस। तो ऐसे एक्स कॉमा वाई कितने इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, आर डिस्टेंस इधर आर 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 आर, हर बार ये एक फिक्स्ड पॉइंट एच कॉमा के से कितनी दूरी पर रहेगा, आर। ओके, तो सर्कल की जो डेफिनेशन होती है ना, वो यही होती है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज अ कॉन्स्टेंट और अ फिक्स्ड क्वांटिटी, दैट इज आर, क्लियर, समझ रहे हो, जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आए, उन पॉइंट का लोकस जब तुम मिलाओगे, उनका पॉइंट का लोकस जो इक्वेशन आएगी वो तुम्हारी होती है सर्कल की इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, दो पॉइंट दिए, उनका डिस्टेंस बोला है आर, अब एक्स कॉमा वाई कहीं पे भी हो सकता है, ये अपन देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, जिसमें तुमको एक सेंटर दिया है, सेंटर क्या है सर्कल का, एच कॉमा के, रेडियस, बेसिकली जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो रेडियस है, रेडियस तुमको दिए आर, तो तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखोगे। तो बेसिकली तुमको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दो पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r. क्लियर? ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ये जो इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की, जिसमें h, k क्या है, सेंटर, और r क्या है, रेडियस. सर्कल की डेफिनेशन ही होती है कि उसका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, जिसको वो जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. क्लियर है ये चीज? तब ये पता है तुमको. इसके बाद जो चीजें आती है वो क्या है, देखो. अब मान लो कि ये तो अपन ने सर्कल की इक्वेशन लिख दी, जब तुमको ये पॉइंट दिया हो, मतलब सेंटर दिया हो और रेडियस दिया. ओके, तो अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं. ओके, क्वेश्चन देखते हैं. ये समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन अपन दो तीन क्वेश्चन देखते हैं कि अप्लाई कैसे करोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालोगे कैसे. ये वो कह रहे हैं कि ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके, ये बोल रहे हैं कि ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालनी है वैल्यूज ऑफ लैम्डा. क्या क्या वैल्यूज लैम्डा की हो सकती है, क्या क्या वैल्यूज लैम्डा की हो सकती है. क्लियर? ये तुमको इक्वेशन दे दी है सर्कल की. अब उन्होंने बोला फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा. क्या है इक्वेशन? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 एक्स वाई प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल. तुमको क्या पूछा है? तुमको पूछा है उन्होंने कि लैम्डा की वैल्यूज बताओ, तब ये इक्वेशन क्या होगी सर्कल की. वो लैम्डा की वैल्यू बताओ जो इसको बनाए इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो ये 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन है बेसिकली. इसमें एक्स वाई का भी है, बाकी तो सारे है ही, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy और c. ये 2 डिग्री कर्व है. अभी मैंने बताया था 2 डिग्री कर्व में h इक्वल टू 0, a इक्वल टू b इज इक्वल टू 1. h क्या होता है? एक्स वाई का कोफिशियंट. एक्स वाई का कोफिशियंट क्या है? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 बराबर 0. और a और b क्या है वो इक्वेशन याद करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0. ये इक्वेशन याद ही रखनी, 2 डिग्री कर्व की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताई है ये इक्वेशन. तो वो लगा दिया अपन ने, वहां से अपने को h की वैल्यू मतलब xy का कोफिशिएंट अपन ने कंपेयर कर लिया. ये 2h की वैल्यू है, 2hxy होता है ना, तो अपॉन 2 कर दो भाई. ये 2h की वैल्यू, तो h की क्या होगी? अपॉन 2. तो ये हो गया अपना h इक्वल टू 0. a इक्वल टू b मतलब क्या? 1, मतलब लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2. क्लियर? 1 होना जरूरी नहीं है, a इक्वल टू b होना जरूरी है. ओके, 1 तो अपन बना देंगे, a इक्वल टू b होना चाहिए. क्लियर भाई? मेन कंडीशन ये दो ही है, h इज इक्वल टू 0 एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर. वहां पे तुम नोट कर लेना, जहां पे अपन ने इक्वल टू 1 रखा ना, 1 हटा दो, 1 की जगह कुछ भी होना, ये दोनों के कोफिशियंट सेम होने चाहिए. जहां पे मैंने बताया था कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 को हटा दो, 1 का होना जरूरी नहीं भी है. कभी वो इक्वल टू है दोनों, तो भी वो इक्वेशन ऑफ सर्कल होंगे. तो ये दो नेसेसरी कंडीशन होते सर्कल की. ये इंपॉर्टेंट नोट है, जब भी 2 डिग्री कर्व आएगी
और वो बोलेंगे कि यार ये सर्कल की इक्वेशन है, तो क्या कंडीशन लगाओगे? एच इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू बी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या लगा देते हैं? डेल्टा इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, ये दो कंडीशन लगाते थे। यहाँ पे ये दो कंडीशन लगानी लगा दी। तो यहाँ से पहले क्या इक्वेशन बनी? लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस फोर बराबर जीरो, लैम्डा स्क्वायर थ्री लैम्डा प्लस टू बराबर जीरो। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बना लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वैल्यू निकली लैम्डा, लैम्डा माइनस फोर माइनस वन, लैम्डा माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इज इक्वल टू वन और फोर। क्लियर? वहाँ से देखते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू बराबर जीरो, लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस टू बराबर जीरो। तो ये आया लैम्डा इज इक्वल टू वन और टू। क्लियर? अब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए, तभी ये अपना भाई ये भी जीरो होना चाहिए एज वेल एज ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो वो क्या आ रहा है? लैम्डा इज इक्वल टू वन। तो लैम्डा इज इक्वल टू वन पे लैम्डा जब तुम वन रखोगे तो ये इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस ये जीरो हो गया, ये y स्क्वायर हो गया माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस फोर। तो लैम्डा इज इक्वल टू वन पे ये ट्रू हो रही है। पर कभी तुम लैम्डा इज इक्वल टू फोर रख दोगे, ओके, लैम्डा इज इक्वल टू फोर रखोगे तो तुम एक चीज देखो, ये जो है ये वाली जो है ये तो तुम्हारा जीरो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फोर में हो रहा है ये। हाँ, फोर थ्री सर ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस टू, ये दोनों सेम नहीं आ रहे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम नहीं आ रहे, तो लैम्डा इक्वल टू फोर तो रख ही नहीं सकते। क्लियर भाई? इसीलिए तो अपन ने इनका इंटरसेक्शन लिया कि साइमल्टेनियसली ये दो कंडीशन होल्ड हो जाए तुम्हारी, गुड। क्लियर? कंडीशन क्या है? टू डिग्री कर्व में जो कोफिशियंट है एक्स वाई का वो होना चाहिए जीरो, पहली चीज, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर के। अब मैं लैम्डा को कभी टू रख देता हूँ, कभी मैंने लैम्डा को टू रख दिया तो थ्री टू सा सिक्स, सिक्स माइनस टू क्या हो रहा है, ये सिक्स माइनस टू इज फोर और टू का स्क्वायर फोर। अच्छा, टू पे भी तो आ रहा है, टू पे भी आ रहा है फोर माइनस, हाँ ये जीरो नहीं हो रहा है, टू पे ये जीरो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा इक्वल टू वन, एक। क्लियर? क्योंकि जब बेसिकली ये चीज समझ में आई क्या का कि टू डिग्री कर्व को कभी सर्कल की इक्वेशन बताना है तो केवल दो कंडीशन दिमाग में रखना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए जीरो, एंड मतलब एच इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यही है, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज ए इक्वल टू बी। क्लियर? चल, ये चीज समझ में आई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू वन पे ये जो टू डिग्री कर्व है वो सर्कल की इक्वेशन को फुलफिल करेगा। ओके, चलो अगली चीज क्या है? मान लो तुमको एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, हुज सेंटर इज 3,4 एंड रेडियस इज 5 यूनिट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या अभी बताया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, h एंड k आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। खोल लेना और फाइनल आंसर वो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में देना, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा वो जनरल इक्वेशन जनरली जनरल इक्वेशन के फॉर्म में रहता है, कभी इस फॉर्म में तो ये लगा देना, नहीं तो खोल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी के फॉर्म में आंसर रिपोर्ट कर दे। क्लियर? अप्लाई कैसे करना है समझ में आई चीज है? चलो, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं,
उसको बताने के पहले एक और चीज़ सुन लो, ये जो है कभी बोल दिया कि सेंटर जो है किसका, सर्कल का, वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, मतलब क्या एच कॉमा के की वैल्यू क्या हो गई 0.0, तो तुम्हारी जो इक्वेशन है सर्कल की वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सीधे कैसे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एच की जगह जीरो रख दिया, के की जगह जीरो रख दिया, तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये भी नोट कर लो, सब चीज़ें उनसे ही निकलेगी अब, है ना। तो ये स्पेशल केस अलग से याद रखना है तो रख लो, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी उन्होंने बोल दिया कि यार एक्स एक्सिस जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे, टेंजेंट मतलब समझते हो क्या, पढ़ रखा होगा, टेंजेंट मतलब कर्व को किसी एक जगह पे टच करे, टच करना मतलब क्या। कभी उसने बोला एक्स एक्सिस टेंजेंट है, एक्स एक्सिस टेंजेंट मतलब ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करके एक पॉइंट पे, जब भी एक पॉइंट पे कर्व किसी लाइन को टच करे तो वो लाइन उसकी हो जाती है टेंजेंट। तो भाई ये एक्स एक्सिस क्या हो गई, टेंजेंट, क्लियर, ये पता होगा। अब ये टेंजेंट है तो इसकी इक्वेशन लिखना आनी चाहिए, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लो एच कॉमा के है सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो अब जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस की वैल्यू तुम मेरे को बता सकते हो क्या। भाई रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, तो ये इसकी रेडियस है बेसिकली, और ये लेंथ, ये रेडियस लेंथ इक्वल होगी के के, समझ पा रहे हो। अरे देखो ये जो पॉइंट है ये एच कॉमा के है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा के, और ये डिस्टेंस क्या होगा एच, तभी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है। अब ये रेडियस जो है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये रेडियस बेसिकली के बराबर है, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, तो ये रेडियस की वैल्यू क्या होगी के बराबर। तो अब जो तुम्हारी सर्कल की इक्वेशन है वो क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। जब एक्स एक्सिस क्या है, टेंजेंट, एक्स एक्सिस एक्ट एज अ टेंजेंट टू द सर्कल। सिमिलरली वाई एक्सिस के केस में, जब वाई एक्सिस तुम्हारी होगी टेंजेंट, जब वाई एक्सिस तुम्हारी होगी टेंजेंट, भाई वाई एक्सिस टेंजेंट है मतलब क्या, डायग्राम तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा। ये बन गया तुम्हारा सर्कल, ड्राइंग मेरी बेकार है इग्नोर कर देना, है ना। ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली क्या है, ये कोऑर्डिनेट मान लो एच कॉमा के है ना, तो अब ये जो लेंथ है बेसिकली, ओके, अब रेडियस जो होगी, रेडियस कभी ये कह रहे हैं कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो रेडियस होगी वो ये डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस बेसिकली इक्वल होगा एच के, तो रेडियस इस केस में क्या हो जाएगी एच। जब वाई एक्सिस टेंजेंट है तो रेडियस बराबर हो जाती है एच, जब एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो रेडियस हो जाती है बराबर के, मतलब सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाती है तुम्हारी रेडियस, क्लियर। तो बस अब इसके केस में इक्वेशन लिखो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हैं ना, कोई केसेस नहीं, याद नहीं रखना है, तुम डायग्राम देखोगे तुमको खुद को समझ में आएगा कि यार ये जो डिस्टेंस है यही रेडियस है, और ये तो पहले से एच कॉमा के है, तो ये डिस्टेंस तो एच के बराबर होगा, ये डिस्टेंस तो एच के बराबर होगा, तो बस एच इक्वल टू आर इससे आ गया, आर बराबर एच, सिमिलरली वहाँ ऐसा है, क्लियर। ये एक्स एक्सिस टेंजेंट है, वाई एक्सिस टेंजेंट है। अब मान लो कि दोनों एक्सिस टेंजेंट है, एक्स एक्सिस भी टेंजेंट है वाई एक्सिस भी टेंजेंट है, तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी। कुछ भी चीज याद नहीं रखनी, डायग्राम बनाओ सर्कल के कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं तो बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले क्या करोगे, कार्टेशियन प्लेन में डायग्राम बना के देखो, है ना, कि वो डायग्राम क्या बन रहा है क्वेश्चन का। डायग्राम बना के जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो उससे इजी कोई मेथड ही नहीं होती, ये सब याद वाद नहीं रखना है कुछ भी। अब जैसे मान लो दोनों एक्सिस क्या कर रही है, एक्ट एज अ टेंजेंट, ये मैं केवल एक क्वाड्रेंट में बता रहा हूँ, ऐसे तुम हर क्वाड्रेंट में देख लो। अभी इस क्वाड्रेंट में नहीं बताया तो ऐसा नहीं कि सर इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट होंगे एच का हो जाएगा माइनस एच कॉमा के,
कभी मैं एच और के को पॉजिटिव नंबर मान रहा हूँ तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस एच कॉमा के होंगे। इस वाले में क्या होंगे, माइनस एच माइनस के, इस वाले में एच कॉमा माइनस के। क्लियर? तो हर केस में देखो तुम कि इक्वेशन क्या आ रही है, ये करके देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? अब जैसे इसकी मैं लिखूं तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई, ये वाले क्वाड्रेंट पे लिख रहा हूं। ओके, जब डायग्राम कुछ ऐसा है, जब तुम्हारी एक्स एक्सिस एक्ट एज अ टेंजेंट, एक्स एक्सिस तुम्हारी जब एक्ट कर रही है टेंजेंट के फॉर्म में, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली रेडियस के बराबर है और ये बेसिकली के स्क्वायर है। क्लियर? तो बस ये डायग्राम बन गया, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये किस केस में, जब ये वाला डायग्राम बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, एच और के क्या है, पॉजिटिव नंबर। क्लियर? चलो, तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें समझने वाली बात तो थी नहीं, केवल सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ओके, अब मैंने बोला कि यार दोनों एक्सिस क्या कर रही है, एक्ट एज अ टेंजेंट। ओके, दोनों एक्सिस एक्ट एज अ टेंजेंट, तो ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट है, ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट है। ओके, अब ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट है, तो यार सेंटर पॉइंट का तुम देखोगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, बेसिकली ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और अभी मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं ओरिजिन से 0,0, तो यार ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। तो बेसिकली जो h है ना, h और k, जैसे मान लो सेंटर के ओरिजिन h और k है, तो h इक्वल टू k इज इक्वल टू r। क्लियर? भाई अपन ने सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लिए h कॉमा k, तो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो h इक्वल टू k इक्वल टू r, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है h और ये डिस्टेंस होता है k, वो दोनों इक्वल है तुम्हारा r के। तो ये आ गया अपना, तो बस इक्वेशन कैसे लिखोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, h की जगह भी r रख दोगे, k की जगह भी r रख दोगे। अब ऐसे इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, उन सबको ज्वाइन करके एक सर्कल बन जाएगा, जिनके उन सबके सेंटर को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बन जाएगा, जिनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर कॉमा आर, इधर वाले जो सर्कल बनेगा जो ऐसा बनेगा, ओके, उसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस आर कॉमा आर, इधर जो बनेगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस आर कॉमा माइनस आर, और इधर वाले के आर कॉमा माइनस आर। तो बेसिकली ये जो सर्कल की साइड है वो इक्वल होगी 2r, तो ये स्क्वायर का कभी एरिया आप किसी ने पूछ लिया तो 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर। बहुत सारी चीजें बन सकती है, तुम बस ज्योमेट्री जानो कि क्या करना है। क्लियर है ये चीज? चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब मान लो कोई ऐसा दिया है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ओके, वो पास हो रहा है तीनों वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, एक सर्कल है जो पास हो रहा है थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तुमको क्या, हाँ, और एक और चीज़ दी है कि उसकी जो लेंथ है मीडियन की, मीडियन समझते हो ना, मीडियन सबको पता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताया था क्या होता है, सेंट्रोइड, तो जो मीडियन की उन्होंने लेंथ दी है वो है 3 है। क्वेश्चन लिखो, क्या लिखोगे क्वेश्चन, कि अ सर्कल इज पासिंग थ्रू द थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड हुज, वो ट्राइंगल की जो लेंथ है, ट्राइंगल के मीडियन की जो लेंथ है वो है 3 है। मतलब डायग्राम कुछ ऐसा है, ये तुम्हारा मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी तीनों वर्टाइसेस से सर्कल पास हो रहा है और उसकी जो लेंथ है मीडियन की, जैसे ये ए बी सी है, ओके, तो ये जो लेंथ है मीडियन की, ये जो है AD, वो बाइसेक्ट करेगा BC को दो इक्वल हाफ में, ये जो लेंथ है AD वो तुमको दिए 3 है। अब उसने बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करो, तो क्या करेंगे,
तुम्हें एक चीज पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है, जो सेंट्रोइड होता है, सब क्या होते हैं? सब कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, सब कोइंसिडेंट होते हैं, सारे एक ही जगह पे लाई करेंगे। तो ये ही सर्कम सेंटर है, ये ही सेंट्रोइड है, अपने को भी इन दो का ही काम है। तो ये भाई सेंट्रोइड तो मीडियन की उस पर ही लाई करेगा, कभी एडी मैंने मीडियन मानी तो सेंट्रोइड एडी पे ही कहीं पे लाई करेगा, सारी मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया ये है। तो यही तुम्हारा सर्कम सेंटर है, और सर्कम सेंटर से क्या होता है, ये डिस्टेंस आर, ये होगा आर और ये होगा आर, ये ओ है। तो बेसिकली जो एडी है, एडी ओके हाँ। और एक और चीज, जो सेंटर है ना वो तुमको बोला है ओरिजिन है, सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर इज एट ओरिजिन। तो तुमको सेंटर पता है, तुमको निकालना क्या है, रेडियस, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए अपने को दो चीज चाहिए, क्या क्या, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर क्वेश्चन में लिखा है कि सेंटर इसका ओ पे है जो कि ओरिजिन है ओके। अब ये ओरिजिन है और एडी की लेंथ दी है 3 है, तो तुमको पता है कि सेंट्रोइड जो पॉइंट होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो कभी ये पूरी 2 3A है, तो ये 2A होगी और ये A होगी, तभी ये पूरी 3A है, समझ गए भाई? ये 2/3 इनटू क्या करोगे, 3A। तो बेसिकली तुम्हारा 2A आ गया, किसकी, लेंथ ऑफ OA, और यही तुम्हारी रेडियस है सर्कल की। तो जो इक्वेशन होगी सर्कल की वो क्या होगी, x² + y² 2a² क्लियर? क्या बोला, कभी तुमको देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, निकालना ज्योमेट्री, सारे जो कंसेप्ट अपन ने पढ़ रखे हैं ज्योमेट्री के वो यूज होंगे। अब तुम्हारा टारगेट क्या है, कभी वो सेंटर नहीं देगा, कभी वो रेडियस नहीं देगा, कभी वो दोनों नहीं देगा, कुछ और दे देगा, उनकी हेल्प से तुम निकाल सकते हो। अब मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि यार एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसकी टेंजेंट है कोई लाइन, कोई स्पेसिफिक लाइन, अपन ने मान ली x + y = 3, ये इक्वेशन है लाइन की ओके, और उसका सेंटर पॉइंट दे दिया मान लो 2, 3। अब इन्होंने बोला इसकी इक्वेशन निकालो, इस सर्कल की इक्वेशन निकालो, तो बेसिकली रेडियस निकालने का सेंटर पता है, एक और चीज क्या चाहिए इक्वेशन निकालने में, रेडियस। तुमको पता है कभी ये लाइन टेंजेंट है, तो टेंजेंट मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये तुम्हारा रेडियस के बराबर होगा, और तुमको पता है लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट से, अभी स्ट्रेट लाइन में बताया है मैंने कैसे निकालते हैं, तो बस वो कंसेप्ट लगा दो यहाँ पे, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है क्या है भाई, x1 + y1 - 3/√1 + 1 का मॉड, x1 + y1 ये जो पॉइंट है, 2 + 3 - 3/√2 कैंसिल, ये बन गया तुम्हारा √2 यूनिट। ये सर्कल की क्या आई, रेडियस, रेडियस आ गया, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या होगी, x - 2 + y - 3 = √2 का स्क्वायर, क्लियर, चीज समझ में आ रहे हो? तो तुम्हारा क्या टारगेट है, तुमको देखो या तो वो क्या दे देगा, सेंटर दे देगा, रेडियस दे देगा, कुछ भी दे दे, अपने को बस सेंटर और रेडियस पे काम करना है और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, क्लियर है ये चीज। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है इंटरसेप्ट वाला, इंटरसेप्ट कंसेप्ट, ये कुछ भी जो स्पेशल केसेस होते हैं ना, ये कुछ नहीं होते, याद वाद मत रखना, अलग अलग किताब में अलग अलग स्पेशल केसेस बहुत सारे दिए सर्कल की इक्वेशन के, तुमको केवल सिंपल ज्योमेट्री लगानी है, केवल सिंपल ज्योमेट्री लगानी है। अब जैसे मान लो, चलो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक सर्कल है, पास हो रहा है ओरिजिन से और कट कर रहा है दो इंटरसेप्ट, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 4 यूनिट का इंटरसेप्ट और एक पॉजिटिव वाई एक्सिस में 4 यूनिट का इंटरसेप्ट। क्या है क्वेश्चन, कि एक सर्कल है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, तुम क्वेश्चन समझो। क्या है क्वेश्चन, एक सर्कल है जो पास हो रहा है कहाँ से, ओरिजिन से। पहली चीज उन्होंने बोल दी सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से, तो अपन ने ओरिजिन बना दिया 0.0 ओके। कट कर रहा है
चार यूनिट का इंटरसेप्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और तीन यूनिट का इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ऐसा कुछ। ओके, ये एक सर्कल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब ये छोटा इंटरसेप्ट है इसके कंपैरिजन में, तो इसको मान लेते थ्री यूनिट का है ये, ओके, और ये फोर यूनिट का है, ओके, और ये पास हो रहा है कहाँ से, सेंटर, और ये इससे ओरिजिन से, ये सर्कल। अब इसकी इक्वेशन निकाल ली, ना सेंटर दिया ना रेडियस दिया, अब इसकी इक्वेशन पूछ ली, इक्वेशन निकाला तो कुछ नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री, ये मान लिया अपन ने सेंटर है सर्कल का एच कॉमा के, क्लियर। अब ये थ्री यूनिट, ये थ्री यूनिट, ओके, और ये कितना है, फोर यूनिट। अब ये थ्री यूनिट है, ओके, ये बेसिकली कॉर्ड लेंथ है थ्री यूनिट की, ओके, और ये फोर यूनिट है, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं। अब तुम एक चीज देखो, ये थ्री फोर और ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना, अब थ्री यूनिट फोर यूनिट ये पूरी डायमीटर है, डायमीटर पे परपेंडिकुलर कब बनता है, जब ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं भाई, याद करो वो प्रॉपर्टी, ये डायमीटर था, सेमी सर्कल पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल, तो ये बेसिकली डायमीटर होती है, तो ये डायमीटर है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये डायमीटर हो गई, इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो 0.0 है, चार यूनिट ऊपर गए तो 0.4 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो 0.0 है, थ्री यूनिट इधर गए, ये क्या हो गया 3.0 है ना। अब इनकी हेल्प से इनका जो डिस्टेंस होगा वो 2r होगा, और इसका मिड पॉइंट एच कॉमा के होगा, क्लियर। मतलब क्या, 3/2, 4/2 सेंटर हो गया सर्कल का, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। ये चीज किसको समझ में नहीं आई, क्या किया, अरे यार एक कोऑर्डिनेट पता है, एक कोऑर्डिनेट पता है, ये डायमीटर के दो पॉइंट्स है, ये दो डायमीटर के पॉइंट है, तो सेंटर क्या, मिड पॉइंट ही होगा ना, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, तो सेंटर क्या, मिड पॉइंट, तो 3+0/2 एच की वैल्यू आ गई 3/2, 0+4/2 के की वैल्यू आ गई 2, तो 3/2, 2 आ गया। ये जो डिस्टेंस है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर टोटल 5, ये डायमीटर की लेंथ है, तो रेडियस की लेंथ क्या होगी 5/2, तो x-3/2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये एक तरीका हो गया, एक फॉर्म होता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, वो इसलिए बता देते क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन होते हैं, सॉरी यार, जो ऑप्शंस होते हैं ना उनमें क्या होता है, जो भी तुमको ऑप्शन मिलेंगे उनमें वो डायमेट्रिक फॉर्म के फॉर्म, डायमेट्रिक इक्वेशन, जो डायमेट्रिक फॉर्म है सर्कल की इक्वेशन का, उसके फॉर्म में ऑप्शन मिलेंगे, तो वो डायरेक्ट फॉर्म ही बता देते ताकि तुम लोगों को कन्वर्जन करने में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन तो ऐसे भी हो जाएगा सारा स्टैंडर्ड फॉर्म से, पर उसी से एक फॉर्म निकला अभी, ये डायमीटर का आ गया तो मैं, मेरे को लगा बता देता हूँ। ये देखो, जैसे ये दो पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2, ओके, ये सर्कल है, उसके दो डायमीटर, मतलब डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज पॉइंट, मतलब डायमीटर के आखिरी के पॉइंट, जैसे कोई भी डायमीटर है तो उसके दो पॉइंट P और Q मान लो, ये दो पॉइंट, और जैसे ये डायमीटर होती तो ये दो पॉइंट, ओके, ये डायमीटर होती तो ये दो पॉइंट, कभी ये दो पॉइंट पता है, मतलब डायमीटर के दो एक्सट्रीम पॉइंट पता है, तो तुम इक्वेशन लिख सकते हो सर्कल की, वो फॉर्म होता है डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो ऐसे लिखते हैं x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 बराबर 0, डायमेट्रिक फॉर्म सर्कल की इक्वेशन का। ये तीसरा फॉर्म बताया अभी तक, पहला फॉर्म जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म बताया था, हाँ एक क्वेश्चन उसका भी करा देता हूँ, जनरल फॉर्म को कैसे सॉल्व करोगे, भाई जनरल फॉर्म दे दिया सर्कल की इक्वेशन का, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये लिख लो, डायमेट्रिक फॉर्म है ये,
इक्वेशन ऑफ सर्कल का. ओके उसके बाद अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जनरल फॉर्म का जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था उससे तुम सेंटर रेडियस सब निकाल के बताना. ओके वो उसका मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया कि अप्लाई कैसे करते हो उसको. ये तीनों फॉर्म जब क्लियर हो गए ना तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लोगे तुम. ओके ये हो गया. उसके बाद इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट भी आज ही डिस्कस कर लेंगे और एक कंसेप्ट और कर लेंगे. ये और जितने भी क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सर्कल के सारे कर लेना ये लेक्चर के बाद सारे तुमसे हो जाएंगे. सिंपल ज्योमेट्री लगानी है. सिंपल ज्योमेट्री क्वेश्चन को पढ़ो डायग्राम बनाओ क्या होगा सेंटर क्या क्या हो सकते हैं सेंटर क्या हो सकती है रेडियस एनालाइज करो और अप्लाई करो. क्लियर. चलो अब देखो अब जो एक चीज आ रही है एक क्वेश्चन दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. ये सर्कल की इक्वेशन है क्योंकि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल है कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर के और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है तो टू डिग्री कर्व में ये इक्वेशन सर्कल की है. अब इन्होंने पूछा इसका सेंटर निकालो और इसकी रेडियस निकालो. तो जस्ट सिंपल थ्योरी जो मैंने बताई है सेंटर कैसे डिनोट करते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ से और रेडियस क्या होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से. क्लियर. तो बस ये लगा दो माइनस जी कॉमा माइनस एफ. इसको कंपेयर किस इक्वेशन से करोगे भाई. इसको कंपेयर करोगे तुम इस वाले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो. तो टू जी एक्स का कोफिशियंट टू जी इज इक्वल टू क्या है फोर. तो जी की वैल्यू क्या आ गई टू. टू एफ इक्वल टू सिक्स तो एफ की वैल्यू क्या आ गई थ्री. तो सेंटर क्या हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ मतलब माइनस टू कॉमा माइनस थ्री. रेडियस क्या हो गई सी की वैल्यू थ्री है सी थ्री है जी टू है एफ थ्री है. लगा दो इसमें टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री. नाइन प्लस फोर थर्टीन माइनस थ्री दैट इज रूट टेन. ये तुम्हारा रेडियस हो गया और सेंटर हो गया. तो जनरल इक्वेशन सर्कल की दे दी तो तुम ऐसे निकाल सकते हो. क्लियर. तो दोनों चीज कभी इक्वेशन दे दी तो सेंटर और रेडियस निकल सकते हैं कभी सेंटर और रेडियस दे दिए तो इक्वेशन निकल सकती है. ये चीज क्लियर हुई. अब वो घुमाएगा कभी वो कैसे दे देगा वही एक लाइन की इक्वेशन दे देगा तो तुमको पता होना चाहिए. कभी टेंजेंट की इक्वेशन है तो सेंटर से टेंजेंट का पॉइंट वो जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के बराबर होता है. तो वो सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी. क्लियर. चलो इसके बाद अपन देखेंगे. हाँ एक चीज़ और कभी तुमको तीन पॉइंट दे दिए तीन पॉइंट दे दिए और उन्होंने बोला सर्कल की इक्वेशन निकालो. तीन पॉइंट दे दिए मतलब क्या अगली हेडिंग डालो या उसके पहले ये देख लो इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं. इंटरसेप्ट टर्म से तो फेमिलियर हो ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है. मतलब देखो जैसे ये एक सर्कल है. ओके तो इसके दो इंटरसेप्ट होंगे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट. क्लियर. अब ये थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया तो तुमको लगेगा डायमीटर ही है. थोड़ा डायग्राम अपन शिफ्टिंग कर देते हैं एक्सिसों की. ये मान लो ऐसा है और ये मान लो ऐसा. क्लियर. ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना. तो इंटरसेप्ट क्या होते हैं सर्कल की. ये अभी एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि ओरिजिन से पास हो रहा है और दो इंटरसेप्ट कट कर रहा है. तो देखो ऐसे था वो डायग्राम तो ये यही इंटरसेप्ट हुए. सर्कल के दो पॉइंट्स मतलब सर्कल जहाँ पे कट कर रहा है एक्सिस को एक्स एक्सिस पे वो दो पॉइंट आएंगे और वाई एक्सिस पे वो दो पॉइंट आएंगे. तो ये बेसिकली लेंथ होती है वाई इंटरसेप्ट की और ये लेंथ होती है एक्स इंटरसेप्ट की. इस केस में एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा ये और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना. ये वाई इंटरसेप्ट है और ये एक्स इंटरसेप्ट. क्लियर.
अब जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। जो सेंटर होता है वो क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्लियर? कभी इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल फॉर्म में लिखे तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर होता है। अब ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस मतलब क्या, इंटरसेक्शन तुमको किसका लेना है, एक्स एक्सिस और सर्कल का। एक्स एक्सिस मतलब क्या, वाई बराबर जीरो होता है, तो वाई बराबर जीरो लाइन बेसिकली एक्स एक्सिस होती है। तो वाई बराबर जीरो जब सर्कल की इक्वेशन में रख दोगे तो जो एक्स की वैल्यूज आएगी वो दो आएगी, और वो दो बेसिकली एक्स वन और एक्स टू होगी। एक्स वन ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, एक्स टू ये, एक्स वन कॉमा जीरो एक्स टू कॉमा जीरो बेसिकली इनके कोऑर्डिनेट होंगे। तो क्या कर रहे हैं यार, ये सर्कल है, सर्कल का लाइन के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तभी तुम्हारे ये दो पॉइंट निकल जाएंगे। और इंटरसेप्ट निकालना मतलब क्या, एक बार ये पॉइंट निकल गया, मान लो ये एक्स वन कॉमा जीरो है, ये एक्स टू कॉमा जीरो है, सिमिलरली ये क्या पॉइंट है, जीरो कॉमा वाई वन, और ये वाला पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा वाई टू। तो जो इंटरसेप्ट है वो बेसिकली क्या है, वाई टू माइनस वाई वन का मॉड, ये तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट है, यही हमें निकालना है, और एक्स टू माइनस एक्स वन ये तुम्हारा क्या है, मॉड एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर? अब ये दो चीज निकालनी है। अब तुम एक चीज देखो, ये तुम्हारी जब सर्कल की इक्वेशन है ना, ये इसका वो है, तो पहले जब मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात करूं तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, वाई बराबर जीरो लाइन ये है एक्स एक्सिस, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे सर्कल के साथ, तो वाई बराबर जीरो अपन सर्कल में पुट कर देंगे। तो y बराबर जीरो पुट किया तो इक्वेशन कैसी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, कौन कौन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे x1 और x2, क्योंकि उन्हीं दो जगह पे कट कर रहा है सर्कल और x एक्सिस, तो वो दो इसके रूट होंगे। तो सम ऑफ द रूट्स, x1 प्लस x2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस टू जी। इस इक्वेशन को देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, ओके सब चीजें पढ़ रखी है अपन ने, कुछ नई चीज बता नहीं रहा हूं। तो सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 कितना होगा, माइनस टू जी, और x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या होगी, c, c अपॉन a, a की वैल्यू 1 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे तो इसका a 1 है, b इसका 2g है, और c इसका c ही है। तो माइनस b अपॉन a करा 2g अपॉन 1, और इधर करा c अपॉन a, अल्फा बीटा की जगह यहाँ x1 x2 इसके रूट है। क्लियर? सिमिलरली तुम जब y एक्सिस मतलब क्या, x बराबर जीरो होता है y एक्सिस में। क्लियर? जब इसका इंटरसेक्शन लोगे सर्कल के साथ तो तुम्हारी इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस और सर्कल, ये वाले सर्कल का इंटरसेक्शन लोगे मतलब x बराबर जीरो रखोगे इसमें, ये जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की इसमें x बराबर जीरो रखा तो इक्वेशन क्या बनी, y स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो दो रूट होंगे वो क्या होंगे, y1 और y2। क्लियर? अपन इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं, ओके अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेप्ट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये हमारा टारगेट, यही इंटरसेप्ट होगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ये लेंथ ही इंटरसेप्ट होती है, ये लेंथ इंटरसेप्ट होती है, बताया ये। क्लियर? तो अब निकालते हैं, y1 प्लस y2 सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, माइनस टू एफ y1 y2 क्या हो जाएगा, c। अब तुमको निकालना y1 माइनस y2, सिंपल अलजेब्रा x1 माइनस x2 का मॉड निकालना है, या बोलू x2 माइनस x1 बात एक ही है, कुछ भी लिखो बात एक है, मॉड लगा रहा हूं, ओके अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन एक्स टू। ये कैसे आया, अरे x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस टू एक्स वन एक्स टू माइनस फोर एक्स वन एक्स टू, क्या बन गया, माइनस टू एक्स वन एक्स टू, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, उसका रूट ले लोगे तो बनेगा फाइनली एक्स टू माइनस एक्स वन का मॉड। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई क्या, ये समझ में आ गया, अरे ये तो सिंपल अपन अभी तक करते हुए आ रहे हैं, हर चैप्टर में लग ही जाता है ये कहीं ना कहीं। तो बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, माइनस टू जी का स्क्वायर माइनस फोर सी, फोर जी स्क्वायर
माइनस फोर सी, तो रूट फोर बाहर निकल गया, ये बन गया जी स्क्वायर माइनस सी। तो जो तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या हो गई, टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जी स्क्वायर माइनस सी विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तभी तो सर्कल डिफाइन होगा। जी स्क्वायर माइनस सी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव नंबर रूट के बाहर, मतलब ये जो है इंटरसेप्ट अपना पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। टू एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से करोगे तो पॉजिटिव नंबर आए, क्लियर है। इसलिए अपन मॉड लगा रहे थे यहाँ पे कि हो सकता है कि एक्स टू माइनस एक्स वन तुम्हारा नेगेटिव आ जाए, पर तुमको मॉड मतलब डिस्टेंस बताना है। इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो वो एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्लियर। तो वो हमेशा अपने को लेना है पॉजिटिव, क्लियर है। ये बन गया टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, इसको सॉल्व करोगे तो सिमिलरली आ जाएगा टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो नोट कर लो, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सर्कल के क्या होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट होता है टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट होता है, सीधा अप्लाई कर देना, टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्लियर। ये तुमने निकाल लिया इंटरसेप्ट, ये चीज आ गई समझ में। अब इंटरसेप्ट निकालना आ गया तो उसके बाद एक कंसेप्ट और, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन बतानी है पॉइंट की विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इंटरसेप्ट का, इफ द एप्सिसा, लिखो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ द एप्सिसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो पढ़ा है बस उसी को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इफ द एप्सिसा एन ऑर्डिनेट, एप्सिसा को भी प्रूव कर, ऑर्डिनेट्स ओके ऑफ टू पॉइंट्स, ऑफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रिस्पेक्टिवली। तुमको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई फाइनल क्वेश्चन तो यही बनेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ पी क्यू एज डायमीटर, विथ पी क्यू एज डायमीटर। तो यार देखो, इफ द एप्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब क्या, एप्सिसा मतलब इससे दो रूट आएंगे x1 x2, वो पॉइंट हो जाएंगे एप्सिसा वाले, इससे दो रूट आएंगे बोल दो y1 y2, वो हो जाएंगे तुम्हारे ऑर्डिनेट्स। बेसिकली डायग्राम बनाते हैं, मान लो ये तुम्हारे सर्कल की इक्वेशन है और ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो के जो दो रूट हैं उससे तुम्हारे इनके एक्सिस आ जाएंगे, मतलब ये पॉइंट मान लिया मैंने x1 कॉमा वाई वन और ये पॉइंट मान लिया मैंने x2 कॉमा वाई टू। तो एप्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो एप्सिसा मतलब x1 और x2 की वैल्यू किससे आएगी, इस वाली इक्वेशन से, और y1 और y2 की वैल्यू आएगी इस वाली इक्वेशन से, क्लियर। तो अपन अब क्या, तुम x1 x2 और y1 y2 निकालने लगोगे क्या, कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है, ये दो एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर है। अभी सर आपने बताया था कि x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर जीरो, ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। कभी क्या होता है, p और q डायमीटर के एंड हो, बिल्कुल यही होती है। तो बस इसको लगा दो। अब x1 x2 की वैल्यू निकालने की बजाय अपन इसको देखें
तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होगी? माइनस 2a, और x1 x2 की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर। सिमिलरली y1 प्लस y2 की वैल्यू, इसके मैंने जो दो रूट माने वो मैंने माने y1 और y2, इसके जो दो रूट माने वो माने x1 x2। ऐसा क्यों किया? एब्सिसा लिखा है, ऑर्डिनेट लिखा है तो वो फील आ जाए, ऑर्डिनेट y के टर्म में होते इसलिए y1 y2 मान लिया। तो y1 प्लस y2 की वैल्यू हो गई माइनस 2p, और y1 y2 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर? ये माइनस बी स्क्वायर कर लो, माइनस बी स्क्वायर सेम, दोनों इक्वेशन ऐसी है। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है? बस वो जो है, ये रब कर रहा हूं मैं, डायमीटर वाला जो तुम्हारा फॉर्म है सर्कल की इक्वेशन का, उसका तुम खोलो उसको। उसको जब तुम ओपन करोगे तो तुमको बस इसको रखना है, क्या है? x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 बराबर 0। अब यार बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि x1 x2 की वैल्यू निकाल लो, इस वाले को माइनस 2a प्लस माइनस वो लगा के, क्या जरूरत है? जब तुमको सीधे इसको खोलोगे तो देखो दिख जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस x2 x प्लस x1 x2। सिमिलरली उधर इसको जब तुम ओपन करोगे क्या बना? y2 माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 y2। तो बस अब रख दो इनकी वैल्यू, x2 माइनस x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? माइनस 2 है, x प्लस x1 x2 की वैल्यू माइनस b2 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 की वैल्यू माइनस 2p y प्लस y1 y2 की वैल्यू माइनस q2। बस हो गया, ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई सर्कल की, खोल लो इसको। खोलना भी क्या, प्लस 2ax माइनस b2 प्लस y2 प्लस 2py माइनस q2, सर्कल की इक्वेशन लिख दी। समझ में आई चीज? तो ये होता है कंसेप्ट। डायमीटर के जो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है उनसे इक्वेशन ऑफ सर्कल वाला कंसेप्ट अभी देखा अपन, ऐसे लिख सकते इक्वेशन ऑफ सर्कल, कभी x1, y1 और x2, y2 डायमीटर के क्या है? एक्सट्रीमिटीज, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्लियर? चलो बढ़े आगे। इसके बाद एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। वो कंसेप्ट अपन ने स्ट्रेट लाइन में भी देखा कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ओके, सिमिलरली पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, वहां पे अपन ने 2-3 केसेस पढ़े थे। तो ये एक सर्कल है ना। अब एक पॉइंट है पी, ये जो पी पॉइंट है ये है x1, y1। क्लियर? अब ये जो सर्कल है, ये रब कर रहा हूं सब। ओके, ये जो सर्कल है ये मान लो s=0 सर्कल है। ओके, ये सर्कल s=0 है और ये पॉइंट पी x1, y1 है। ये सर्कल है s=0 और ये पॉइंट कुछ है पी x1, y1। ओके, अब इसकी पोजीशन पॉइंट की क्या क्या हो सकती है? या तो ये सर्कल के बाहर हो ये पॉइंट, या ये सर्कल पे ही हो, या फिर ये सर्कल के अंदर हो। तो 3 केसेस बस और ये कंसेप्ट खत्म। क्या है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल? ओके, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है मगर इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। बिट्स करके एक एग्जाम होती है, बिट सेट, आप लोग दोगे तो अच्छी बात है, प्राइवेट कॉलेज है। उसमें मैंने मैक्सिमम टाइम इसके क्वेश्चन देखे हैं, जेई में भी मेंस में शायद एक बार आया था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो पहली चीज कि पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी वो है आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। तो उस केस में क्या करोगे? ये जैसे सर्कल की इक्वेशन है, मान लो x2 प्लस y2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है वो आउटसाइड है सर्कल के, मतलब जब तुम s में p1 पॉइंट, मतलब s में जब पॉइंट पी भरोगे, s में जब तुमने पॉइंट पी फिल किया तो वो तुम्हारा आएगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? s में पॉइंट पी फिल करना है,
पॉइंट पी क्या है, मतलब एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, एक नंबर आएगा x1, y1 एक वैल्यू होगी, 2, 3 कुछ भी एक कोऑर्डिनेट है, सर्कल की इक्वेशन है, x और y की जगह तुम वो पॉइंट फिल करोगे, कभी वो ग्रेटर देन 0 आया तो वो पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द सर्कल, कभी वो इक्वल टू 0 आया मतलब s में जब तुमने पॉइंट p फिल किया तो वो इक्वल टू 0 आ गया, मतलब क्या कि पॉइंट p लाए ऑन द सर्कल, ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सर्कल पे लाए करेगा तभी ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्लियर बात। और कभी एस में पॉइंट पी फिल करोगे और लेस देन 0 आ गया तो इनसाइड द सर्कल, तो ये आ गया ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल, पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल, क्लियर। तो आज के लेक्चर के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, ये कंसेप्ट समझ में आया, ये अपन ने क्या देखा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अब कभी ये पॉइंट को तुम फिल करोगे सर्कल में, कभी वो ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब पॉइंट पी बाहर है सर्कल के, कभी वो सर्कल के बराबर आ गया मतलब क्या, जब तुमने पॉइंट फिल किया तो वो 0 आ गया, s इज इक्वल टू 0 आ गया, ओके जब तुमने इस इक्वेशन में फिल किया तो वो 0 के इक्वल आ गया, तो क्या वो सर्कल पे ही लाई कर रहा है पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है। और कभी वो अंदर आ गया तो लेस देन 0 आ जाएगा, क्लियर। ये चीज समझ में, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं वीडियो लेक्चर, और मिलते हैं अगले लेक्चर में और सर्कल का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। 12th वालों की एग्जाम चालू हो गई है, आप लोग बहुत अच्छा करोगे। 11th की एग्जाम खत्म हो गई है क्या मैक्सिमम बच्चों की, बताओ कमेंट करके कि कितनों की एग्जाम खत्म हो गई है, कैसा गया मैथमेटिक्स का पेपर। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।